करीना करीना शुरू से बहुत ही स्पेशल शो रहा है मेरे लिए, खासकर क्योंकि मेरा ये फर्स्ट सीरियल है, फर्स्ट वेंचर है. क्योंकि जिस तरह से करीना में मेरे को एक फुटेज मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो शायद ही किसी न्यू कमर को टेलीविज़न में मिल सकता. बट इवन फॉर द पीपल, लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत ही फ्रेश काइंड ऑफ शो है, डिफरेंट शो है जो रेगुलर सास बहू सीरियल्स चलते हैं या जिस तरह के सीरियल्स इस वक्त चल रहे हैं. आई थिंक उनमें से करीना करीना की एक तो स्टोरी लाइन टिपिकली डिफरेंट है, और जिस तरह से हमने पोर्ट्रे किया है, एक आरजे को पोर्ट्रे किया है, रेडियो जॉकी को पोर्ट्रे किया है, किसी सीरियल ने आज तक नहीं किया था टेलीविज़न पर. आपकी यूएसपी क्या है? मेरी यूएसपी की करीना करीना की यूएसपी ओके, कुलराज की यूएसपी, कुलराज एज ए पर्सन, मेरी यूएसपी होगी कि ऑलवेज माई एनर्जी लेवल इज़ हाई. इवन ऑन द सीरियल, आप देखेंगे सीरियल में भी जो एनर्जी है, इनपुट है, 100% है. मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती. जिस किस्म का काम हो, एक्टिंग हो, उसमें अपनी पूरी जी जान मेहनत लगा कर काम किया है. एंड आई थिंक दैट्स द वे इट विल वर्क ऑलवेज फॉर मी. कोई भी काम हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, आई गिव माई बेस्ट शॉट, एंड बाकी ऊपर वाले की मर्जी है जैसा रिजल्ट निकले. आई वॉन्ट से राइवल्स, ऑल आर बेसिकली दे आर गुड एक्टर्स, आई मस्ट से, एंड दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब. अगर जो जहाँ पर है वो अपनी मेहनत से है, एंड आई अप्रिशिएट कि लोग जैसे मेहनत करके आते हैं, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम ग्राउंड वन. मुझे पता है कि कितनी मेहनत जाती है एक इस पोजिशन पर आने की, जो कितनी मेहनत लगती है, कितनी एक्सपेक्टेशंस लगती हैं, द स्वेट एंड ब्लड विच गेट्स इन टू मेकिंग ऑल दिस. इट्स नॉट एन ईजी टास्क. आई डेफिनेटली लुक अपॉन सच पीपल, कितनी मेहनत करके आए हैं. जहाँ तक राइवलरी का सवाल है, देर इज़ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, आपको जैसे पता है. बट जहाँ तक आप बहुत ऑनेस्ट हैं अपने काम में, और अगर आप अच्छे हैं अपनी आर्ट में, आई थिंक नथिंग स्टॉप्स यू. यू विल बी रिकॉग्नाइज एंड यू विल बी नोटिस्ड. आई थिंक ऑन टेलीविजन वुमेन आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट, आई थिंक आई लाइक माननी डे, शी प्लेज परी इन जस्सी. इवन जस्सी इज़ अ वेरी जेन्युइन एक्ट्रेस, आई फील. स्मृति ईरानी इज़ अ वेरी नाइस एक्ट्रेस. वेयर इज इन मेल एक्टर्स, आई थिंक मिस्टर पंकज कपूर इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर. आई मीन कॉमेडी तो हमें पता ही है कि वो कितनी अच्छी करते हैं. साइड बाई साइड ही इज़ प्रूवन दैट हाउ गुड ऑफ अ सीरियस एक्टर ही इज़. इवन द films which he did lately, I think he's an amazing actor with a great sense of timing. I think after Karina Karina, life is going to really speed up, because I'm really excited about my career in the future. I feel films should definitely happen, because I am concentrating on really good projects, and I love to work with good, great directors who can take out the best potential out of an actor. जैसे अगर मैं एक एक्ट्रेस हूँ, या जितना मैंने सीखा है, जितना मैं सोचती हूँ मेरा पोटेंशियल है, लेकिन एक डायरेक्टर जो देखता है एक एक्टर में, आई थिंक कोई और नहीं देख पाता. तो आई वांट टू वर्क विद लाइक रियल गुड डायरेक्टर्स हु कैन टेक आउट द बेस्ट वर्क आउट ऑफ यू. एंड आई थिंक फिल्म्स इज़ माई नेक्स्ट टास्क. आई होप दैट विल हैपन सून. प्रिपरेशन फैक्ट मिलने के बाद मेरी स्टार्ट हुई थी, बिकॉज उससे पहले अर्चन आ रही थी. मगर एक बारी जब हाउ करीना इज़, व्हाट करीना इज़, एंड बेसिकली इट्स अ कोइंसिडेंट दैट यू नो करीना एज अ कैरेक्टर इज़ नॉट वेरी फार ऑफ फ्रॉम व्हाट आई एम. सो द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज, द वे शी वुड स्पीक, द वे हर एक्शन वुड बी, व्हाट शी वुड थिंक, हर एज ग्रुप, वट एवर, हैज़ बीन वेरी क्लोज टू व्हाट आई एम. तो उसमें भी होमवर्क काफ़ी हुआ था, स्क्रिप्टिंग पे हुआ था, डायलॉग्स क्या होंगे, उसकी थिंकिंग क्या होगी, उस पर काफ़ी काम हुआ था, और फिर चलता क्या.